नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स इवन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों मैं जो मैच कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीकन प्रोविंशियल T20 का थर्ड मैच है, जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा। TUS वैसे MPR टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्ट्रेस प्रेजेंट फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना, आपका एक लाइक हमें तो उत्साहित करता है कार्य करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मैचेस की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक और करना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 20,700 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है और उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैच की, तो मैच अब से कुछ देर बाद शाम में 5:15 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों जो मैच होने वाला है सिटी ओल पीटर मार्टिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर मैच खेला जाएगा। इस बात के दोस्तों एक विकेट की, तो यहाँ का जो विकेट है ओवरऑल बैलेंस है। और दोस्तों इस वेन्यू पे जो इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया है, तो जैसे वो मैच कंप्लीट हो जाएगा तो हमको पता ये भी चल जाएगा कि विकेट एग्जैक्ट कैसा बिहेव कर रहा है। हालांकि दोस्तों यदि इसका पास्ट रिकॉर्ड हम देखें तो इस वेन्यू का जो T20 के अंदर एवरेज स्कोर रहा है वो 140-160 के बीच रहा है। तो अब इस मैच में 150 के आसपास स्कोरिंग देख सकते हैं। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं TUS टीम्स की, तो इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे जोनाथन वंडियार, और उनके साथ ओपन करने आएंगे मालकॉम नोफल। बात करें दोस्तों वंडियार की, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और दोस्तों 70 T20 मैचेस के अंदर 1500 के करीब रन है इनके, और यहाँ पे 23 का इनका बैटिंग एवरेज रहा है अपने T20 करियर में। तो मेरे हिसाब से बैटिंग सेक्शन से एज अ प्लेयर अपनी टीम में जरूर ट्राई करेगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, 30-40 कभी भी करके जा सकते हैं, खास के दोस्तों इस लेवल के क्रिकेट में, और अच्छे शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करेगा। इनके साथ ओपन करने आएंगे दोस्तों मालकॉम नोफल, ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेकिन ये दोस्तों अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब दोस्तों ये भी बतौर ओपनर ही खेलते हैं ज़्यादातर मैचेस में, लेकिन दोस्तों कभी कभार ये होता है कि मिडल ऑर्डर भी खेल लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस टीम के पास दूसरा ओपनर है नहीं, क्योंकि दोस्तों जोनाथन वंडियार तो जब भी खेलते हैं कंफर्म ओपन करते हैं, तो इनका तो ओपनिंग पोजीशन लगभग कंफर्म है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नोफल जो है मैक्सिमम मैचेस में यही ओपन करते हैं, लेकिन दोस्तों इस टीम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि नोफल के अलावा और किसी से लोग ओपन करा सकें, तो हाई चांसेस हैं कि नोफल ही आपको ओपन करते हुए वंडियार के साथ दिखेंगे। तो इसलिए मैंने नोफल को एज अ ओपनर मेंशन करा हुआ है। 16 T20 मैच के अंदर 207 रन है इनके नाम, 21 का इनका एवरेज है, और 6 विकेट उन्होंने 16 मैच में चटकाए हैं 23 ओवर की बॉलिंग करके। अब बंदे ने 16 मैच में 23 ओवर डाले, मतलब सीधा सही है कि 2 ओवर के आसपास आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, प्लस ओपन करेंगे, कैप्टनसी की एक बड़ी ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। वन डाउन बैटिंग करते दिखेंगे कैमरून सिकलेटन। अब दोस्तों ये राइट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी करते हैं, इससे पहले अभी तक ये T20 मैचेस नहीं खेले हुए एक अच्छे लेवल पे, लिस्ट ए मैचेस खेले हुए थे। लिस्ट ए 50 ओवर का गेम होता है, आप उसे ODD भी कह सकते हो। 8 लिस्ट ए मैचेस के अंदर उन्होंने 95 रन की, 19 की एवरेज से, थोड़ा सा रिस्की पिक रहते हैं, क्योंकि मुझे तो एवरेज लगे लिस्ट ए के अंदर 19 के एवरेज कुछ खास होता नहीं है, और कुछ खास बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाए हैं, तो सीधे सीधे छोड़ दीजिए, कुछ खास मतलब इनका रहेगा नहीं आपकी टीम में। टू डाउन बैटिंग करते दिखेंगे दोस्तों यहाँ पे मिचेल एडलैंग, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, हो सकता है कि कैमरून से ऊपर भी एयरलाइन का आ जाए, कैमरून नंबर 4 पर खेल सकते हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मिशेल एयरलाइन नंबर 3-4 पे ही बैटिंग करते हैं। 32 T20 मैच के अंदर 570 रन इनके नाम, 20 की एवरेज से, और 10 विकेट उन्हें चटकाए हैं 35 ओवर डाल के। बॉलिंग के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं, कभी कभार एक आध ओवर की बॉलिंग करते हैं, जैसे ऐसे नोफल हो गए और ऐसे एयरलाइन हो गए, इन दोनों के बीच हो सकता है 4 ओवर डिवाइड हो जाएं, तो बॉलिंग के चांसेस इन दोनों के थोड़ा सा कम रहेंगे। हालांकि दोस्तों नोफल के फिर भी थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा हैं, और एयरलाइन के मुझे फिर भी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 32 मैच में सिर्फ 35 ओवर ही अब तक डाले हुए हैं, हो सकता है एक आध ओवर ही कराए, लेकिन बैट्समैन टॉप क्लास है, ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखिएगा। नीचे लिखे दोस्तों यहाँ पे टियान कोइमोर, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और लिस्ट ए के अंदर दोस्तों 31 मैच में 26 विकेट निकाले हैं, 750 करीब रन है, तो मेरे सबसे ठीक ठाक ऑलराउंडर हैं, एज अ प्लेयर आप जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा बैटिंग से बैकअप देते हैं, नंबर 5 के आसपास बैटिंग करेंगे तो बैटिंग भी इजीली आ जाता है, प्लस एटलीस्ट 2 ओवर के आसपास जरूर बॉलिंग करेंगे, तो ठीक ठाक से पिक है, और अपनी टीम में एज अ प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे एंडले मैककाने, ये राइट हैंड बैट्समैन है, राइट हैंड मीडियम पे बॉलिंग करते हैं, 10 मैच में सिर्फ इन्होंने 6 ओवर डाले हैं, तो बॉलिंग के चांसेस ना के बराबर हैं, और बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो इनको आप आसानी से छोड़ सकते हो। नीचे देखिए दोस्तों स्टीफन टेट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म पेसर, लिस्ट ए के अंदर दोस्तों 23 मैचेस के अंदर इन्होंने 32 विकेट निकाले हैं 189 ओवर डाल के, मतलब लिस्ट ए का फिर से एक बार कंफर्म कर दूं ODD मैच है, तो 50 ओवर के गेम में इन्होंने 23 मैचेस 50 ओवर के गेम खेले हैं, जहाँ पे लगभग 189 ओवर करे हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 से 3 ओवर आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अच्छी विकेट निकाली हुई है 23 मैच में, 32 विकेट अच्छे विकेट होते हैं, तो एज अ प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे केथ डडगोन, राइट आर्म मीडियम है,
13 मैचेस में इनने 17 विकेट निकाले 41 ओवर डाल के T20 में, तो गजब का रिकॉर्ड है। डेडगन को अपनी टीम में जरूर रखिएगा, ये आपको लगभग 3 से 4 ओवर ये भी आपको करके देने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी टीम में रहने वाला है। नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे तमसान का खुमोलो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, छोड़ दीजिएगा, बहुत नीचे खेलते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कार्टलिन मनिकम ऑफ ब्रेक बॉलर है, 10 मैच इसके अंदर इसने 5 विकेट निकाले हैं, लेकिन 10 मैच में दोस्तों इसने 10 ओवर की बॉलिंग कराई हुई है, तो मुझे ये भी कुछ खास ऑप्शन नहीं लग रहा, क्योंकि हो सकता है एक आध ओवर ही डालें तो कोई मतलब है नहीं। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एंडले मलेतिया की बात करें दोस्तों, राइट आर्म मीडियम है, इसने एक ही मैच खेला था, हालांकि उसमें 4 ओवर कराए हुए थे, तो आप लेना चाहे ले सकते हो, ठीक ठाक से ऑप्शन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपके सामने TUS का परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस मैच की जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, हम बात कर लेते हैं MBR की, लेकिन उससे पहले बता दूं जो आपको फाइनल टीम मिलने वाला है, फाइनल अपडेट मिलने वाला है, वो टेलीग्राम पे मिलेगा। तो यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आके जुड़ जाएं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। दोस्तों इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोबिन हरमन, और उनके साथ ओपन करने आएंगे एलेक्स कॉक। बात करें दोस्तों हरमन की, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी यही करते हैं इस टीम के लिए, और ये अच्छी चॉइस रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। 19 मैचेस के अंदर 224 रन करे हुए 22 की एवरेज से, मतलब ओपन जब भी खेलते हैं ओपन ही करते हैं, लगभग इनका ओपनिंग स्लॉट कन्फर्म रहता है, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करें, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे एलेक्स क्लॉक, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी ये कभी कभार एक आध ओवर की करते हैं, 5 T20 मैच के अंदर लगभग 100 रन है, 20 का एवरेज है, विकेट कोई नहीं मिला, लेकिन 5 मैचेस में इसने 6 ओवर कराए हुए हैं, मतलब इसलिए से एक आध दो ओवर जरूर डालते हुए देखेंगे। तो GL में कैप्टनसी आप जरूर दे सकते हो सकता है यदि कम बॉलर के लिए तो अच्छा खासा भी बॉलिंग कर जाए, लेकिन चांसेस हाई हैं कि ओपन करता ओपन तो कंफर्म करेगा, बॉलिंग आपको एक आध दो ओवर ही करते हुए दिखेंगे, तो इसलिए स्मॉल लीग में एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करेगा, सिलेक्शन बहुत कम है, ग्रैंड लीग में CBC में रोटेट कर सकते हैं। टुमेलो कोटो की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, 8 मैचेस के अंदर 138 रन है 20 की ओर से, और 8 मैच में 5 ओवर डाले हैं, बॉलिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे, कभी कभार एक आध ओवर करते हैं, इसलिए अपनी टीम में एज अ प्लेयर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऊपर करने आते हैं। नीचे देखिए दोस्तों यासर कोक, 29 मैच में 450 करीब रन है, 18 के एवरेज है, ठीक ठाक से ऑप्शन रहने वाले हैं, बैट फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो, हालांकि दोस्तों ये भी कभी कभार ओपन कर जाते हैं, मैं आपको बताऊं तो रियलिटी, लेकिन दोस्तों ये लिस्ट के अंदर बंदा ओपन किया था, T20 में नीचे ही खेलता है, और दोस्तों एलेक्स कॉक को क्या था जो रिसेंट में उन्होंने लिस्टिक मैचेस खेले थे नीचे खेले थे, और T20 में बंदा जब भी खेलता ओपन करता है, तो स्पेशली मैं आपको यदि कंफ्यूजन दूर करना चाहूँ तो ये जो आपको 3 प्लेयर दिख रहे हैं, 2 प्लेयर है तीसरा ये, इन 3 में से कोई 2 ओपन करेंगे, चांसेस तो मुझे एलेक्स कॉक और हरमन के ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये लोग T20 में ज़्यादा ओपन करते हैं। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे बेंजामिन यार निकर्क, अब इसने 8 मैच में 211 की एवरेज ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे खेलते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉट आउट होते हैं, इसलिए एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग के एक टीम में ट्राई करें बैट फर्स्ट में, नहीं तो छोड़ दीजिए, कुछ खास मतलब रहेगा नहीं। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे जेरून श्राइमन, अब ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, यदि इस टीम को बैट फर्स्ट होता है तो कैप्टन बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। 25 मैच के अंदर 450 करीब रन है, 29 की ओर से, लेकिन 25 मैच में इसने सिर्फ 9 ही विकेट निकाले हुए हैं, लेकिन 25 मैच में इसने 32 ओवर डाले हैं, मतलब आपको एक आध ओवर की बॉलिंग करते हुए जरूर नजर आएंगे, साथ में दोस्तों बैटिंग से बैकअप देते हैं, बैट फर्स्ट होगा तो बैटिंग भी आ जाएगा, तो यदि बैट फर्स्ट होता है तो ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर कर देना। यहाँ पे मोहम्मद मेड मुझे कुछ खास लगे नहीं, आप आसानी से छोड़ सकते हो। ब्लाचर स्कार्डर की बात करें दोस्तों, ऑफ ब्रेक बॉलर है, अब 6 मैच इसमें इसने 5 ओवर डाले हैं, तो मुझे तो कुछ खास पिक नहीं लग रहा भाई, 6 मैच में 5 ओवर का क्या मतलब होता है, छोड़ दीजिए, एक आध ओवर करेगा तो क्या मतलब निकलेगा। नीचे की दोस्तों मैं जॉन हेरिंगटन, राइट आर्म मीडियम है, 4 मैचेस में 11 ओवर डाल के 5 विकेट निकाले हैं, इसलिए दो तीन ओवर के आसपास जरूर डालेंगे तो ठीक ठाक से पिक रहेगी, आप चाहो तो ले सकते हो। थुला नकोबो की बात करें, 11 मैच में 15 विकेट है, 39 ओवर डाल के, लेफ्ट आर्म पेसर, ये अच्छी पिक हो सकते हैं आपके लिए, और ये आपको इसलिए 3-4 ओवर जरूर डालते हुए देखेंगे, तो नकोबो को जरूर ले लीजिएगा। और नीचे देखेंगे दोस्तों लीजो मखोसी, 9 मैच में 6 विकेट है, 27 ओवर डाल के, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, तो ये भी ग्रैंड लीग की एक अच्छी पिक रहेंगे। इस टीम ने दोस्तों 12 मेंबर का अपना स्क्वाड डिक्लेयर किया, तो एक प्लेयर शायद ना खेले, हाई चांसेस हैं आपको केनी शायद बेंच में बैठते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है MPR का, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए हम टीम में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं जो आपको फाइनल टीम मिलने वाला है, फाइनल अपडेट मिलने वाला है, वो टेलीग्राम पे मिलेगा। तो यदि आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आगे जुड़ जाएं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देखते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं आर हनमन के साथ जा रहा हूं, और दोस्तों बैटिंग सेक्शन मैंने जोनाथन वंडियर को अपनी टीम में रखा हुआ है, यासर कुक मेरे पास हैं, और टी कोक मोर को लिया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों मेरी टीम में रहने वाले हैं एम एडलैंक, और ऐसे दोस्तों मैंने एम नॉफल को लिया हुआ है, और दोस्तों मेरी टीम में जेस नाइमन है, और ऐसे मैंने ए कोक को अपनी टीम में लिया हुआ है। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों
के डाउटगन लिया है, यहाँ पे स्टैट लिया है और टी नगोपो को साथ जा रहा हूँ। कैप्टनसी की दोस्तों बात करें तो एम नोफल मेरे कैप्टन है, क्योंकि दोस्तों बंदा ओपन करेगा प्लस दो ओवर के आसपास जरूर बॉलिंग करेगा, इसलिए मैंने इसको कैप्टन करा हूँ। वाइस कैप्टन दोस्तों एम एलडंग है, ये भी वन डाउन या टू डाउन के आसपास बैटिंग करेंगे प्लस कुछ ओवर की बॉलिंग ये भी कर सकते हैं एक आध ओवर। तो दोस्तों जो हमारे सीबीसी हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन करा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे तस्कर्स के दिन मुझे थोड़ा सा मजबूत भी नजर आ रहे हैं, इसलिए इस दोनों इसी टीम से मैं सीबीसी करके जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन का आपके पास ऑप्शन है, आप स्नाइमन को कर सकते हो, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, एक को जीएल पे सीबीसी कर सकते हो, ग्रैंड लीग पे चार ऑलराउंडर में सीबीसी जरूर ट्राई करेगा। बाकी अभी के लिए टीम यही है, अभी के लिए मैं भी इसी टीम से अपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं है, आफ्टर टॉस में थोड़ा बहुत अपडेट भी हो सकता है। तो जो भी इस मैच का फाइनल टीम होगा आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो तुरंत आकर जुड़ जाएं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, लिंक पे क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।